नेक हाथे नीचे कर ले सहता ले, जब तक हम रोक लेते हैं इस गिरदास को। भगवान कृष्ण बोलते हैं भैया हम थके ना है, जब थकेंगे तो बताए देंगे अभी ठीक है हम। भगवान ने बोला हम थके नहीं है। सारे ब्रजवासी बोलने लगे तारी के हमें पतो है तू थको ना है, जब हमसे कुश्ती लड़े तो नेक देर में तेरी हाँपी चल जाए, हमसे जब दौड़ लगावे तो नेक देर में तेरी हाँपी चल जाए, और तेरे को आज तीन दिन तीन रात लगातार रह गई और तू बोला थके ना है। हाथ नहीं जिगर महाराज सकालो भगवान को डांट भी दे, क्यों भक्त भगवान के साथ चलता है और भगवान और भक्त का तालमेल बड़ा गहरा है। भगवान को अच्छा भी लगता है मेरा भक्त मेरे को डांट रहा है, वो पसंद नहीं करता है कभी कभी, कभी काम भी नहीं करता है बिना डांटे, कभी कभी तो ऐसा काम करता है उसको डांटना ही पड़ता है, वो मानेगा ही नहीं। आज सकाल बोले बोल दिया उनको दारी के तू अपने आप को ताकतदार समझ रहा है, हाथ नहीं जिकर। भगवान बोले तुम संभाल लोगे क्या? बोले हाँ। तू क्या सोचता है तू नहीं संभाल के रखा है, हम भी संभाल लेंगे, हम भी महाराज मक्खन खाते हैं। महाराज भगवान ने बोला अच्छा ठीक है तो संभाल लो, हम थोड़ा सहता लेते हैं। सो ही महाराज इतने में तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ नीचे किया, जैसे हाथ नीचे किया करते ही आहा धीमे धीमे अब तो महाराज इतना सारा जोर सखाओं के पास आ गया डंडो। अब तो मनसुखा बोला सीधा जोर लगा, मनसुखा बोला है तुम जोर लगा, अरे दारी के कल चार रोटी खा गया कहां गया तेरा रोटी का ताकत, लगा जोर, बोला जोर लगा के हम सब जोर लगा देते पर महाराज गिरिराज जी का रुख है, इतना मर्जी जोर लगाओ अब तो धीमे धीमे नीचे आने लगे। लास्ट में सखाओं ने क्या किया अपना डंडा जमीन में टेक दिया, अब इससे वो नीचे थोड़ी आएगा, इससे नीचे थोड़ी आएगा गिरिराज जी। इतने में तो महाराज भगवान ने और नीचे हाथ करो और करते महाराज अब तो सारे डंडे चक्र मटर टूटने लगे, जैसे चक्र मटर टूटने लगे अब तो सारे सखा डर गए। भैया भगवान से बोले लाला रोक हमारे बस की ना है। भगवान ने बोले दारी के हम पहले के रहे तुम्हारे बस की ना है, तुम तो माने ना है, चलो तुम लोग तो मरे गिरे हैं। सखा ने बोला अच्छा, भगवान ने पुनः अपने हाथ को वहीं स्थापित कर दिया। करने के पश्चात सखाओं को टेंशन हो गई कि भैया जी जब हमसे लड़ता है तो इसकी हाँपी चलती है, पर इतनी ताकत आई तो आई कहां से इसमें। सारे सखाओं ने बोला लाला एक बात बताए हमें, पर सत्य बताइयो तो में इतनी ताकत आई तो आई कहां से। एक बार तो भगवान कृष्ण ने बोल ही दिया कि भैया हम भगवान हैं, क्योंकि भगवान ने आज तक बोला नहीं ब्रज में, ब्रज में तो कभी बोला ही नहीं कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि बोलूंगा तब भी नहीं मानेंगे, पर आज बोल दिया कि मैं भगवान हूँ। सखाओं ने बोला तारी के तू काय को भगवान है अपने बताइयो हैं, अपने आप को भगवान माने बताइयो कैसे भगवान है का करो तेने। अब तो महाराज भगवान कृष्ण बोलने लगे देखो भैया हमने छह दिन में पूतना मारी, तृणावर्त मारा, सक्तासुर मारा, बोले चुप कर मारी पूतना मारी तृणावर्त सक्तासुर, अरे पूतना जब मरी डारे मरी मराई में छह डंडे तो मैं मार के आया, तू बोल रहा मैं मार के आया, मैंने मारी, चुप कर डींगे मत मार हमारे आगे, सत्य बता तूने ताकत आई तो आई कहां से। बोलो हरे कृष्णा। महाराज भगवान बोले में भगवान हो तो माने नहीं, अगर और कुछ बोले तो माने नहीं। भगवान ने बड़े शब्दों से मीठी वाणी से बोलने लगे अरे सखाओ क्या बताऊं, कुछ माखन को बल भड़ो, कुछ माखन को बल भड़ो, कुछ गोपन करी सहाय, राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाय। एक बार सखा और गोपियों में तू तू में हो गई। हाँ सखा बोले कि हमारे कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठाया वो महान है,
गोपियां बोले, सखियां बोले कि राधा रानी ने गोवर्धन उठाया, कृष्ण ने नहीं उठाया। आप बोलो गोवर्धन उठाया किसने? किसने उठाया गोवर्धन? राधा रानी ने कि कृष्ण ने? किसने उठाया? जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? यहाँ काजी नहीं है, डरो मत, जोर से बोलो। किसने उठाया? राधा ने कि कृष्ण ने? कुछ बोल रहे राधा, कोई कृष्ण? किसने उठाया? हाँ पंडित जी, किसने उठाया गोवर्धन? राधा ने। कैसे सिद्ध करो राधा ने कैसे उठाया? अरे मैं कम सुनता हूं, है? किसने उठाया? कुछ लोग का मानना है कृष्ण ऐसे ही सखा बोले कृष्ण ने, और राधा रानी ये सखियां बोलते राधा ने। पर महाराज जब निचोड़ निकला, बोलते देखो भगवान ने किस हाथ से गोवर्धन उठाया? बोले बाएं हाथ से, बाएं हाथ की चेचली उंगली से, छोटी उंगली। ये बाएं बाएंवा हिस्सा किसका होता है? बोलो हरे कृष्णा, है? सखाओं से सखियां बोले देख, तुम लोग बोले किसने उठाया, किसने उठाया, हमें बताओ कैसे उठाया किसने? पर हम सिद्ध करती हैं राधा ने गोवर्धन उठाया। बोले कैसे? बोले भगवान श्री कृष्ण का पायमा अंग में कौन रहती है? राधा रानी। हाथ किसका है? राधा रानी का। ताकत कहां से आई? राधा रानी की। तो उठाया किसने? बोले राधा रानी की। मारा राधा रानी की कृपा से मैंने गिर बल लियो उठाए। महाराज कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय। गोप सखा लोग बोले भैया हमने कुछ ही सहायता करी है, हम तो झूठे को अपने डंडे लगा के रखे थे कि हमने जोर लगा के रखा है, पर अब मालूम पड़ा कि हमारे डंडे तो बेकार लगे हैं। अब ये सच सच बता तो मैं हमने कौन सी सहायता कर दी? भगवान कृष्ण बोलते हैं भैया देखो तुम मेरे को देख रहे थे? बोला हाँ मैं तुमको देख रहा था। बोला हाँ और तुम मेरे को देख रहे थे? मैं तुमको देख रहा था। बोला हाँ मान तो लिया। बोले जब मेरे को तुम देख रहे थे तो तुम्हारी सारी शक्ति मेरे में आ गई, इसलिए आपकी कृपा से और राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठाए। बोले गिरधारी भगवान की, भगवान का गिरधारी नाम पड़ गया, गिरधर उठा लिया ना। महाराज 7 दिन कब निकल गए पता ही नहीं लगा। 7 दिन सखा लोग बड़े मस्ती से नाचते गाते झूमते महाराज रिझाते हुए भगवान को खुश कर रहे थे, वो भी खुद खुश हो रहे थे, मस्त हो रहे थे। होते होते आज देखा ये खबर जब इंद्र को मालूम पड़ी थी, भगवान श्री कृष्ण ने वो 7 कोस का गिरिराजी अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठा के रखा है। महाराज वो तो गड़बड़ हो गया, वो भागा ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी बचाइए, त्राही माम पाही माम। बोले क्या हो गया? बोले बहुत बड़ा अपराध कर बैठा हूँ। बोले क्या? कि मैं कृष्ण को साधारण मनुष्य समझकर मैंने उनके चरणों में अपराध कर दिया है। मैंने सारे ब्रजवासी को मारने के लिए संकल्प लिया था, सबको डुबो देना है, सबको मार देना है। जो भक्तों को मारने की सोचता है ना उसको पहले ही मर जाता है, याद रखना। भक्तों के ऊपर जब जब विपत्ति आई भगवान रक्षा करते हैं, भगवान उसका समाधान करते हैं। आज भगवान ने सारे ब्रजवासी की रक्षा की है। पिता भाई अब मैं कहाँ जाऊँ भगवान के? भगवान अब मेरे को छोड़ेंगे नहीं। बोले पहले तो वर्षा बंद कर, दूसरी बात तो भगवान बड़े दयालु हैं भैया, मेरे से भी अपराध हो गया था। ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया था ना, चोरी कर ली थी, चोर बाबा नाम रख दिया बाबा भगवान ने। ये चोर ब्रह्मा है, जो हमारा मालिक है ना वो चोर है। पर हम लोग ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि हमारे गुरु गुरु परंपरा मेन गुरु वही है। हमारा चोर चोर कहलाया और ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म स्तुति में बोलते हैं महाराज भगवान की भक्ति में समझ पाया वो
मैं पहले दिन भी बोला था कि भगवान की जो भक्ति करता है वो वास्तविक भक्ति है, और जो भगवान की भक्ति छोड़कर अनन्य धर्म अनन्य कर्म अपनाता है, जो सोचता है कि दान करने से सब कुछ मिल जाएगा, वो ठीक नहीं करता है। कुछ लोग का मानना है कि तीर्थ यात्रा करे आओ सब कुछ हो जाएगा, पर भक्ति जब तक नहीं करोगे तब तक अधूरा काम रहेगा। ब्रह्मा जी ने खुद बोला है महाराज दसवें स्कंद के 14वां अध्याय से और 8वां 9वां श्लोक होगा, से श्रे श्रे सितम भक्ति मुच्यते, कि महाराज जो भगवान की भक्ति छोड़कर अनन्य काम में लगता है उस वो ऐसा करता है जैसे कि धान के भूसे को कूट रहा हो, चावल का जो निकल जाता है ना धान का भूसा उसको कूट रहा हो, कुछ मिलेगा? बोला हाँ परिश्रम मिलेगा। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ बताइए, ब्रह्मा जी अपने मुख से खुद बोल रहे हैं, इसलिए भक्ति से पीछे मत हटो आगे बढ़ो। जिन कर्मों से भक्ति होती है वो कर्म विशेष करके करो। ये भक्ति के अंग है, भागवत सुनना, कीर्तन सुनना, कीर्तन में ताली बजाना, कीर्तन में जोर जोर से गाना नाचना, ये सब भक्ति के अंग है। 64 अंग बताए भक्ति के, तो ये भक्ति में हटो मत, भक्ति सर्वश्रेष्ठ बोलिए। आज ब्रह्मा जी बोल रहे वो बहुत दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, तुम जाओ उनके चरणों में लग जाओ, वो बड़ी कृपा करेंगे, मेरे से भी अपराध हो गया था, तुम ऐसा करो ऐरावत हाथी को ले जाओ, स्वर्ग गंगा का पानी ले जाओ और दूध दही ले जाओ और कामधेनु गाय को ले जाओ, उनका अभिषेक करो, उनकी स्तुति करो, वो स्तुति प्रिय है, भगवान का नाम स्तुति प्रिय है, उनकी बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी स्तुति बोला करो, उनको समझ तुमको समझ आए ना आए, क्योंकि संस्कृत में सारी स्तुति है, उनको जैसे मर्जी पढ़ो। कुछ लोग का मानना है महाराज हमको पढ़ना नहीं आता है, कहीं उल्ट पुल्ट हो गया, बोले भगवान की भक्ति में जी तो सबसे बड़ी उपलब्धि है, आप जैसे मर्जी उनको नाम को उनकी स्तुति को उल्टा पुल्टा गा दो, बोल दो, कोई उल्टा पुल्टा नहीं होगा। भगवान जानते हैं बच्चा है अभी सीख रहा है, जैसे कि तो छोटा बच्चा होता है ना 1-1.5 साल का, उसमें पिताजी माताजी तो बोलना आता नहीं, वो सोतली भाषा में सीखता है, पप 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 करता है, महाराज माँ बाप खुश हो जाते हैं मेरा बच्चा कुछ बोल रहा है। ऐसे भगवान देखते रहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ बोले, मेरा बच्चा कुछ बोले, आप कुछ बोलोगे वो खुश होता है, कुछ बोलना शुरू किया सीख रहा है, इसलिए भगवान की स्तुति गानी चाहिए। आज इंद्र को बोला, इंद्र मास्य आया, स्वर्ग आया, स्वर्ग महाराज ऐरावत हाथी को लिया, कामधेनु गाय को लिया महाराज, और महाराज डरते डरते ऐसे गल वस्त्र में हाथ देते हुए महाराज हाथ मलते मलते, क्योंकि अपराध बहुत बड़ा किया है, छोटा मोटा अपराध थोड़ी कि सारे ब्रजवासी को मार देना है, अब देखो कितना बड़ा संकल्प है, एक भक्त को मारना औखा है, और इसलिए संकल्प किया कि सारों को खत्म कर देना एक साथ, बड़ा भारी, इसलिए डर रहा था पता नहीं भगवान क्या दंड देंगे। आज डरते डरते क्या भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासी को बोला, भैया अब तुम वापस घर जाओ, देखो कितनी अच्छी धूप निकल आई है, अब बारिश नहीं होगी, और जो होनी थी हो गई, पर ब्रजवासी जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि ब्रजवासी की इच्छा थी हम भगवान को देखते ही रहे, देखते ही रहे, जाए ही नहीं, क्या करना घर जाके, वही आज जाएंगे नहीं। पर भगवान ने जब बोला सारे ब्रजवासी भगवान को मुड़ मुड़ के देखते देखते वापस जाने लगे, इतने में इंद्र आया, इंद्र ने भगवान को प्यारी सी स्तुति गाई, स्तुति गाने के पश्चात भगवान ने बोला कहा क्या किया तूने, बोले गलती हो गई महाराज माफ करना, बोले माफ क्या करनी तूने, दो श्लोक महाराज ब्रह्मा ने 41 श्लोक में भगवान की स्तुति की, भगवान खुश नहीं हुए थे, पर इंद्र ने ज्यादा नहीं 2 श्लोक ही बोले थे,
और दो श्लोक में ही भगवान संतुष्ट हो गए। बोले क्या चाहता है? बोले आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपका अभिषेक करना चाहता हूँ। बोले ठीक है कर। महाराज भगवान श्री कृष्ण को गिरिराज जी की शिला पर बैठा कर अभिषेक किया, जो जल इकट्ठा हुआ वो कुंड के रूप में प्रकट हुआ और उस गोविंद उस कुंड का नाम हो गया गोविंद कुंड। बोल गोविंद कुंड की, और वहां भगवान गोविंद देव का मंदिर भी है। बोल गोविंद भगवान की। आज भगवान गोविंद की उपासना आराधना करते हुए इंद्र वापस जाता है और इंद्र से बोलने लगे भगवान कि भैया तेरा कोई अधिकार नहीं है जबरदस्ती किसी की से पूजा लेना। हाँ किसी की इच्छा है वो पूजा कर दे तो ले सकता है, अन्यथा जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि मैं इंद्र हूँ मेरी पूजा करो जब ही वर्षा करूंगा। वर्षा करना तो तेरा धर्म है कर्म है, तुम बिना मतलब खामा खाम जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। इंद्र त्राहिमाम पाहिमाम बोलते बोलते वापिस गए। इधर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण पुनः अपने ब्रज में महाराज गोकुल नरे का नाम नंदगांव पहुंचे। भगवान अपनी बाल लीलाओं से भगवान का स्मरण बंधन कर रहे थे। बोलो हरे कृष्णा। भगवान की लीलाओं को देख देख के सब मुक्त हो रहे थे, बाल लीलाओं से सब मोहित हो रहे थे। उसके आगे कथा आती है महाराज। एक बार नाम नंद बाबा जी ये एकादशी व्रत करते थे। नंद बाबा एकादशी व्रत, क्योंकि नंद बाबा को पता था कि भगवान खुश होते हैं, जिस कर्म से भगवान संतुष्ट है उसको श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। वैसे भगवान के पिताजी हैं, उनको जरूरत नहीं है ना एकादशी की जरूरत है ना और कुछ जरूरत है, पर उनको पता है मेरा लाला खुश होगा तो इसी भक्ति से और एकादशी व्रत से। एकादशी व्रत करते थे और बड़ी श्रद्धा के साथ करते थे, मल्लो मली नहीं, ओके सोके होके नहीं कि बापों ने बोला है तो कर ही लेंदे हैं, ओके सोके होके पता नहीं बोलने से बड़ा पाप होता है कि नहीं। एक भक्त था और दो भक्त थे, दोनों भक्तों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक भक्त जो था भगवान का भक्त था, दूसरा थोड़ा भक्ति नहीं करता था। जब भक्ति नहीं करता था, जो भक्ति करता था वो बोलता था भाई देख भगवान का भजन करना चाहिए, करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, नहीं करेगा तेरे को नरक जाना पड़ेगा। वो हर बात यही बोलता था, हर बार जब मिलना उसने जो नहीं करता था उसने बोला सब बेकार है पाखंड है, ये सब भक्ति भक्ति नहीं है, क्या माला करते रहो क्या कृष्ण कृष्ण बोलते रहो, अरे इतना परिश्रम भगवान के ऊपर भजन मत डाला करो। मैं कहीं गया इस बार मैंने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, मैंने ये बोला भगवान की जो इच्छा, हम तो भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। उस बंदे ने बोला ज्यादा भजन मत डाला करो भगवान के ऊपर। क्या बोला? भगवान के ऊपर ज्यादा भजन मन डालो। मैंने कहा भगवान के ऊपर न डाले तो किसके ऊपर डाले, वही तो है हमारा सब कुछ। तो ऐसे ही उस भक्त ने बोला भैया भगवान के सिवाय कुछ नहीं, भगवान की भक्ति किया कर, दो चार माला जप कर लिया कर। वो बंदा बोलता है क्या करना जब माला भला, भगवान तो कहीं दिखाई देता नहीं इसलिए मैं करता नहीं। वो बंदा जब मिलना जब ने उसने मनाई करना और जिसने करना उसने बोला तू जप कर। एक दिन की बात है, वो बंदा जो जप नहीं करता था वो भी माला लेके बैठा और फटक से वो चलेगा। उसका मित्र जो करता था उसको बड़ी खुशी हुई, अरे ये भी माला कर रहा है तो अब क्या करे। उसके दोस्त ने देख लिया, वो फटक से छुपाने लगा। बोले क्या कर रहा है? बोले यार क्या बताऊं, सबके पास जाता हूँ सब लोग वही बोलते भजन कर नहीं तो नरक जाएगा, नरक जाएगा भगवान मिलेगा तो पिटाई करेगा तेरी। अब मैंने सोचा कि भैया अगर भगवान है, अगर बाई चांस कहीं मिल गया कहीं मेरे को चटकाने लगा तो कम से कम बोल तो दूंगा भैया मैं भी दो माला करता हूँ छूट जाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो वो क्या फर्क पड़ा दो माला कर ही लेता हूँ। ओके 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 बोला हरे कृष्णा।
महाराज औखे सौखे होके कर ही लेता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एकादशी व्रत औखे सौखे होके कर लिया करो। आप बोले कुछ नरक होगा नहीं होगा, पर नरक कुंड है। अगर नहीं विश्वास तो ये हॉस्पिटल है ना, वहां जाया करो बीच बीच में। हाँ, अगर नरक कुंड देखना है, एक छोटा नरक कुंड है, वो तो बड़ा है ना, 1028 नरक कुंड, ये छोटा है। यहाँ महाराज लोग बाग आते हैं, कोई केस से परेशान आता है, कोई केस से भी है, मतलब बहुत नाना प्रकार की बीमारी यहाँ है, मतलब वो अपने कर्म फल भोग रहे हैं। ये भी नरक कुंड है कि नहीं है, क्या सिस्टर हो, नरक कुंड है मान जाओ। हमारी निर्मल सोनी बाढ़ सिस्टर है ना, बोले नहीं है महाराज, संसारी नरक कुंड है पूरा, क्योंकि इसमें हम लोग कर्म फल ही भोग रहे हैं। कोई पैरों से भोग रहा है, कोई अपने शरीर से भोग रहा है, कोई आंखों से परेशान है, कोई कमर से परेशान है, सब अपने कर्म फल ही भोगने आए। इसलिए अपना बोलते हैं यमलोक में जाकर हम लोग को जो मानो 100% हमारे कर्म फल है ना, 75% यमराजी मार मार के भगवा देते हैं, 25% छोड़ देते हैं, बोले जा अब तू इस योनि में जाएगा उसमें भोग, जैसा कर्म करोगे उसको उस हिसाब से योनि मिलती है। किसी को पुरुष, किसी को स्त्री, किसी को मारा कुत्ता, किसी को बिल्ली, किसी को सांप, गधा, ऊंट, बंदर, गाय, भैंस, ये सब हमारे कर्मों के फल से मिलती है। वो 25% हम लोग यहाँ भोगते हैं, चाहे उसको बुखार के रूप में सोच लो, चाहे उसको कमर दर्द के रूप में सोच लो, चाहे उसको अपने कुछ भी एक्स वाई जेड जितने भी हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारा अपना कर्म फल है। बोलो हरे कृष्णा, ये कर्म फल हम भोग रहे हैं। आज भगवान की भक्ति करते हो, भगवान को नाथ नंद बाबू को पता था कि भगवान को खुश करना है तो एकादशी जरूर करनी है। एकादशी करते थे और निर्जल करते थे, एकदम निर्जल, पानी भी नहीं। करते करते एक दिन की बात है महाराज, एक बार उन्होंने निर्जल एकादशी की, रात को पता लगा नहीं और आधी रात में जमुना जी नहाने चले गए। और जमुना जी नहाने जैसी गई सज्जनों, पेट वो महाराज चप्पल खोल गए अपने, जैसी जमुना जी प्रवेश किया करते टाइम हो रहा था 2:30 बज रहा था, क्योंकि तीर्थों का विधान है 4 बजे से पहले किसी तीर्थ में मत नहाओ, वो तीर्थ का अपमान है। आज बाबा को पता लगी नहीं, 2:30 बजे ही जमुना जी में उतर गए और जमुना जी में घूम रहे थे महाराज वहां वरुण देवता के दूध, और जैसे ही देखा बाबा घुस गया है, बाबा को पकड़ा और ले जा पकड़ के ले चले। बाबा बोलता रहा भैया मैं कृष्ण का बाप हूँ, अरे मेरा बेटे का नाम कृष्ण है, अरे तुम मेरे को कहाँ लिए जा रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा, तुम पछताओगे। महाराज बहुत डराया पर उन्होंने एक नहीं सुनी और ले जाके वरुण लोक में वरुण देवता को समर्पण कर दिया। वरुण देवता ने जैसी देखा बाबा नंद को, वो तो थर थर कांपने लगे, अरे दुष्टो तुमने ये क्या किया, ये तो भगवान का परम भक्त, अरे भगवान के पिताजी हैं और पिताजी और भक्तों के ऊपर हमारा किसी प्रकार का कोई शासन नहीं चलता है, भक्त अपनी मर्जी का मालिक होता है, भगवान का अधीन नहीं होता है। अरे ये पिताजी है, पिताजी के ऊपर हमारा शासन नहीं, तुमने ये क्या किया। बोले महाराज गलती हो गई तो छोड़ जाता हूँ। बोले और दूसरी गलती कर रहे हो, अब तो इनको पूजा करो। ऊंचे आसन पर बैठा दिया, उनकी आरती उतारी, उनके चरण धोए, उनके महाराज माला पहनाई और महाराज बढ़िया बढ़िया पकवान पदार्थ भोग लगाया। लगाने के बाद उनको अच्छा नहीं लग रहा था कृष्ण के बिना, वो कृष्ण कृष्ण पुकार रहे थे। पर सज्जनों यहाँ सारे ब्रजवासियों को मालूम पड़ा कि बाबा सुबह से नहाए भी गए हैं, अभी लौट के ना आए हो। सबको टेंशन हो गई, सारे ब्रजवासी इस तरह महाराज बाबा को ढूंढने लगे पर बाबा मिला ही नहीं। पर लास्ट में बाबा तो मिला नहीं, बाबा की जब पनैया उतरी वही है, कपड़े रखे हैं पर बाबा ना आए। महाराज सब ने कन्फर्म कर ली, बाबा नहाए हुए उतरो जमुना जी में और जमुना जी में डूब गया।
कृष्ण बलदेव को मालूम पड़ा। कृष्ण बलदेव ने किसने बोला, बलदेव भैया ब्रजवासी बोले समाधियों मैं देख के आऊं बाबा कहाँ डूब गयो, मैं पक्को गोता हार हूं। महाराज डुबकी लगाई और लगाते ही महाराज भगवान श्री कृष्ण सीधे वरुण लोक को चले गए। महाराज माँ वरुण देवता तैयार था कि कृष्ण भगवान आएंगे, मैं उनकी आरती उतारूंगा, उनकी भव्य आरती उतारी, आरती उतारी, चरण धोए, उनको भी बढ़िया आसन पे देके बढ़िया भोजन कराया और माफी मांगने लगे। हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, मेरे सेवकों को पता नहीं था ये आपके पिताजी है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ करना। महाराज भगवान से बार बार वो प्रार्थना किए जा रहे थे, भगवान ने बोला कोई बात नहीं अब हमारे पिताजी को दे दो। पिताजी से बोला पिताजी ठीक ठाक हो, कोई परेशानी तो नहीं? अरे भैया यहाँ आके रास्ते में थोड़ी थोड़ी सी परेशानी है, डांट रहे थे वो तो थी, पर यहाँ आके तो बड़ी पूजा की, बड़ी नाक रिगड़ी है, देख नाक भी छिल गई इनकी, पर इनकी कोई गलती नहीं, इनको पता नहीं था, पर तेरे बिना लाला तेरी सही बताओ, तेरे बिना कोई कछु अच्छो ना लग रो, देख सारा भोग लगाया मैंने एक वो ना खाया कि मेरे को तो तेरी चिंता है रही, तू चोको आएगो चलो हम चलते ही साथ में। भगवान श्री कृष्ण और पिताजी के साथ वापिस पुनः नंदगांव पहुंचे और पहुंचते ही महाराज अब तो बाबा नंद जी चर्चा करने लगे, भैया मेरे बेटे का नाम सब जगह चलता है। अरे मेरे बेटे का नाम लेते ही उसका जो देवता था थर थर कांपने लगा, अपनी नाक रिगड़ने लगा, नाक छिल गई, महाराज विनती करने लगा, बार बार मेरे को बार बार पूछने लगा क्या लोगे, ठंडा लोगे गर्म लोगे, महाराज मेरे बेटे का नाम ऐसा चलता है। सारे ब्रजवासी सुन रहे थे, इतने में सखा लोग भी सुन रहे थे, सखाओं ने बोला ओ लाला कनुआ यहाँ, बोले कहा आवाज है, बोले कान में कंगे डायरी के यू बता तेने अपने बाबा को वरुण लोक दिखाई दियो, हमें कब दिखावे गो। भगवान कृष्ण बोलते हैं भैया सच बताओ ना, जो आनंद जो रस बरस रहे हो बरसाने में वो तीन लोक में ना है। महाराज जो आनंद भगवान के धाम वृंदावन में वो कहीं नहीं, चले जाओ चाहे चाहे द्वारका चले जाओ चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते ऐसा ऐसा होता है दिल धड़क धड़क करता है, जब जोशी मठ से उतरोगे फिर तो लगेगा हे भगवान एक बार दर्शन करे दोबारा मुड़ के नहीं आएंगे, और जो एक बार जाता है दोबारा बड़ी मुश्किल से जाता है। बद्रीनाथ तब भी चले जाए, केदारनाथ तो बोले भगवान माफ कर जैसे प्रणाम भैया केदारनाथ भगवान एक बार कृपा कर दिया वो नहीं जाएंगे। मारा एक तो कष्ट, दूसरी बार लग जाओ लाइन में, माँ कोई दया मैं नहीं है, और 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन होती है, ऐसे चले जाओ द्वारका माँ में लंबी लाइन होती है, चले जाओ जगन्नाथपुरी में माँ पे भी लाइन में खड़े हो जाओ, हाँ क्योंकि ये भगवान की ऑफिस है, ऑफिस में कितना भी सिस्टम बढ़िया हो ऑफिस तो ऑफिस है, अब वृंदावन जो है भगवान का घर है, घर में जो आनंद है वो ऑफिस में थोड़ी है, बोलिए ऑफिस में फिटफाट रहना पड़ेगा, टाई लगानी पड़ेगी, इधर भी कसके रहेंगे, वर्ग महाराज नौकर भी सामने होंगे, कुछ कर नहीं सकते हो, ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ती है। छोटे मोटे ऑफिसर होंगे कितना बड़ा उसके नीचे होंगे, बोले क्या करें सर गड़बड़ पर घर तो घर है भगवान कृष्ण का घर। आज भगवान कृष्ण बोलने लगे अरे भैया जो सुख वृंदावन में है वो कहीं नहीं मिलेगा। सखा बोलते तू तो तारी के भानो मारो है, हाँ ऐसी बोले ब्रज की ग्वाल वाल, पर तुम मत बोलियो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उनका तो सखा है, अब तुम लोग सखा थोड़ी माने भगवान को, हमारे ब्रज में तो सीधे ही बोलते हैं कुछ भी काम करना हो तो यार भगवान ये काम कर दे पहले यार जरूर बोलेंगे, मतलब दोस्त है दोस्तीगिरी, और दोस्तीगिरी में चलता है ये सब ताने साने, अगर वैसे मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आज भगवान सखा लोग बोलते तुम तो ऐसे ही गप्पे मारे हैं भाने मारो है हमको ना दिखाने के लिए, ठीक है हम तेरे साथ आज के बाद कुट्टी, कोई संपर्क नहीं कोई वार्तालाप नहीं कोई खेल कूद नहीं। भगवान ने बोला ये तो बड़ी जल्दी बिगड़ गए, बोले क्यों बिगड़े चिंता मत करो आंखें बंद करो अभी दिखा देते।
आज सखाओं ने सावरे ने आंखें बंद की, करते ही महाराज बैकुंठ दिखाया। बैकुंठ में बैकुंठ राज अधिपति शेष सैया पर लेते हुए लक्ष्मी चरण सेवा कर रही हैं, जहाँ तहाँ जय विजय सुनंद नंद आदि खड़े हुए भगवान की सेवा के लिए, और ऐसे खड़े जैसे मानो मूर्ति। अब तो महाराज माँ सखा लोग खेलने लगे, जैसे हियो जैसे ब्रज में खेलते थे ऐसे माँ खेलने लगे। खेलते 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 महाराज उन्होंने जब कुछ बात हुई तो भगवान को पुकारने लगे, ओ भगवान, ओ कहना, ओ कनुआ, लाला। महाराज जो सखा दे बोला, कहां से आए कमाल लोग, क्योंकि सेवक लोग थे। बोले बाप रे वाह, ये तो बोलने भी ना सकते जोर से, वैकुंठ में नहीं चलेगा बोलना जोर से, माँ तो इशारों से या प्यार से, और माँ तो बड़ी इज्जत है। महाराज जहाँ तो महाराज कनुआ कृष्ण लाला ही बोलते हैं, महाराज भगवान ने सुना नहीं। महाराज जब आए तो घूम लेते, घूमने लगे, उनका मन लगा ही नहीं। जब मन नहीं लगा, उदास होने लगे, वो भगवान राधा रानी को पुकारने लगे, क्योंकि राधा रानी ही वृंदावन का वास दे सकती है। अब तो महाराज सब लोग सखा लोग एक जगह बैठ गए और राधा रानी को पुकारने लगे, सारे सखा एक ही स्वर से बोलने लगे, जल्दी बंदा बनने तेरे जल्दी जल्दी बिंदा बनने
वैकुंठ से श्रेष्ठ वृंदावन धाम है।
क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने बोला है वैकुंठो जनितो वरा सत्रापी रासवस्व कि महाराज वृंदावन मथुरा भगवान की लीला धाम लीला की भगवान ने जन्म लीला की इसलिए मथुरा श्रेष्ठ बोला है सारे धामों में। जहां तक कि महाराज वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा धाम को बोला है वैकुंठ से श्रेष्ठ वृंदावन मथुरा है और बोलते मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है जहां भगवान ने रास लीला इत्यादि किया है सखियों के साथ। बोलते उस वृंदावन से भी श्रेष्ठ बोलते गोवर्धन श्रेष्ठ है। गोवर्धन श्रेष्ठ क्यों बोला है क्योंकि भगवान ने सात दिन सात रात लगातार सारे ब्रजवासियों के साथ एक जगह में रहे वो वृंदावन में गोपियों के साथ थे इसलिए श्रेष्ठ था पर सारे ब्रजवासी नहीं थे पर बिन्ना गोवर्धन में सारे ब्रजवासियों के साथ थे और बोलते हैं उससे भी श्रेष्ठ राधा कुंड के बारे में बोलते हैं राधा कुंड में भगवान जो श्री कृष्ण हमेशा विराजमान रहते हैं। राधा कुंड में जो आप कृष्ण कुंड और राधा कुंड जो देखते हो वो पानी नहीं है वो राधा कुंड में राधा रानी जल के स्वरूप में है और कृष्ण जल के स्वरूप में हमेशा विराजमान रहते हैं इसलिए सारे तीर्थों में सारे धामों में वो वृंदावन से श्रेष्ठ राधा गोवर्धन और गोवर्धन से श्रेष्ठ राधा कुंड बोल राधा कुंड श्याम कुंड की। कुछ लोग राधा कुंड श्याम कुंड गए जाते हैं तो परिक्रमा देते देते जाते हैं इतने थक जाते हैं और जाके फटाक से पैर डाल देते हैं। तीर्थ में जाके कभी भी पैर मत डालना नियम नहीं है अपराध हो जाएगा। तीर्थ में जाना है सबसे पहले उसको प्रणाम करना है प्रणाम करके स्तुति आती तो स्तुति बोलो नहीं तो बोलो महाराज आप में मैं आचमन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ पहले सिर में पानी दो फिर आचमन करो नहाना है तो उतरना है बिना नहाए पैर मत धोना नहीं थोड़ा पैर धो लेते हैं। महाराज अभी हम लोग गए थे गुरुदेव के साथ लाइव प्रोग्राम किया तो गुरुदेव ने गोवर्धन की परिक्रमा देंगे मैंने महाराज अभी तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो कब दोगे बोले लास्ट में देंगे क्योंकि बीमार होंगे तो घर जाके तो सो जाएंगे अगर पहली करेंगे तो कथा में गड़बड़ हो जाएगी लास्ट में गए और सारे राधा कुंड में सो गए। मैं तो ठांस के सो गया तो महाराज एक माता जी आई और हम तो सो गए हमें तो पता ही नहीं लगा क्या हुआ आके पैर फटक से डाल दिए और महाराज पैर डाले वो फिसलनी हो रही थी और धड़ाम नीचे चली गई और गुड़म गुम होने लगी मैंने कौन डूब गया मेरी आंखें खुली तो बोले पकड़ो 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 उसको खींचा जैसे थे मैंने कही हमारा तो कोई नहीं सुपर मैंने हमारे सब सो रहे बोला हरे कृष्णा। एक तो वो भी डर है पैर जाते ही आपको पता नहीं कि कैसा है और जाके डालते हो गई गुड़म गुड़म तो एक तो उससे बच जाओगे पहले मां दो मिनट बैठो धाम को देखो चिंतन करो उसकी महिमा सुनो उसकी लीला देखो फिर आचमन करो फिर पानी माथे पे दो उसके बाद अगर नहाते हो तो पूरी डुबकी लगाओ पैर नहीं लगाना पर पहले ये काम करना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्णा। आज सारे ब्रजवासी पुणे वापिस आए भगवान ने सब समझ पाए कि सब धामों से श्रेष्ठ वृंदावन श्रेष्ठ है इसलिए तो बोलते हैं चल मन रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे जाती नहीं वृंदावन में जाया करो साल में एक चक्कर जरूर लगाओ। इस बार गुरुदेव 1 अक्टूबर से परिक्रमा कर रहे ब्रज मंडल की और हम भी जाएंगे। चलिए ब्रज मंडल में जहां जहां भगवान ने लीला की 15 दिन का सफर है पैदल नहीं होगी आप परिक्रमा का अर्थ समझ लेते पैदल करनी पौड़ी महाराज यहाँ से तो बाथरूम तक बड़ा मुश्किल हो जाता है जाना पैदल कौन करेगा पर आजकल पैदल का जमाना रहा ही नहीं अब तो गाड़ी घोड़ों से हो गई है तो गाड़ियों में होगी एक एक जगह में एक एक दिन एक एक रात रुकेंगे उस धाम की महिमा गुरुदेव सुनाएंगे। अगर किसी को जाना है तो नाम लिखा देना साधु महाराज माँ के कर्ता धर्ता होंगे
तो इनसे ही संपर्क में रहना, हमारे चक्कर मत रहना कहीं कथा आ जाएगी हम भाग गए तो, इसलिए तो वैसे तो कोशिश होगी कि इस बार ब्रजमंडल परिक्रमा गुरुदेव की सानिध्य में करें, आगे पता नहीं समय परिस्थिति अनुसार जो भी है, पर मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चलिए। हिमाचल के लोग निकलते ही नहीं, गुरुदेव का कहना है कहीं जाते ही नहीं, मोहन छोड़ता ही नहीं है घर, पता नहीं घर में ऐसा क्या है, पर घर घूम के आता हूं तो घर में कुछ दिखता भी नहीं, कुछ ऐसा पता नहीं घर में क्या है, घर छोड़ा करो कभी कभी। देखो महाराज, कुछ लोग बंगाल के लोग छोड़ के आ जाते हैं, आप बोलेंगे बंगाल में कंगाली है, ऐसा नहीं है, जो घर छोड़ के आते हैं वो सब पैसे वाले छोड़ के आते हैं, कंगाल लोग पैसा वो घर नहीं छोड़ता है। कहने का मतलब है कि घर कभी कभी भगवान के लिए छोड़ दिया करो, बाद में भी तो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, कि घर ले जाओगे साथ में है? छोड़ना है ना, इसलिए पहले बीच में अभ्यास डालो, कभी 10 दिन चले गए, कभी 15 दिन चले गए, कहीं लास्ट में एकदम छोड़ना पड़े तो हाय वो है बोला हाँ ना घर छूट गया, ऐसा ना करना पड़ जाए कहीं, इसलिए बीच बीच में आदत डालो, कभी एक दिन चले गए, कभी 2 दिन, जैसे कि देखो अब 7 दिन से लगातार घर में तो नहीं रह रहे हो, 3-3 घंटा पीछे से क्या घर कोई चले गया उठ के कि कोई ले गया कुछ, घर तो वहीं के वहीं है, इसलिए घर छोड़कर धाम जाना चाहिए, धाम दर्शन करना चाहिए, धाम के दर्शन करना, धाम में पास करना बड़ा महत्व तो लिखा है। घर की घर चिंता छोड़ा करो, क्यों धाम में लिखा है, क्योंकि जब घर वापिस आओगे ना धाम से तो याद आएगी हाय महाराज वृंदावन तो कहे पर मच्छर बड़े काटे, मच्छरों के खातिर आपको वृंदावन याद आएगा, और वृंदावन याद आते ही आपका जो क्या बोलते हैं पुण्य की घड़ी शुरू हो जाएगी, मीटर शुरू हो जाएगा। बोला महाराज बड़ी गई पर मां ये प्रॉब्लम हुई, खारा पानी है, अरे वो वृंदावन भगवान की नगरी है वहां सब ऐसे ही होगा, कभी वृंदावन चले गए, कभी जगन्नाथपुरी जाओ, कभी महाराज नवद्वीप जाओ, होलियों में गुरुदेव नवद्वीप में होते हैं, वहां पर भी जाके देखो, वहां का आनंद अलग है। इस बार चलना है तो एयर टिकट करा देना, हम तो एयर वाले बाबा हैं, गाड़ी और बसों में धक्का कौन खाएगा, बस अगर ट्रेन से चलते ट्रेन से चलना, पर चलना जाना चाहिए, कभी कभी धाम दर्शन करके आना चाहिए, बहुत सारी कुछ मिलता है, संत साधु का दर्शन मिलेगा, महाराज साधु के प्रवचन मिलेंगे, महाराज भगवान का प्रसाद मिलेगा, घर में मिलता है नहीं मिलता है वो तो डाउट है हमको, कभी कभी भगवान को भोग लगता है, नहीं तो बनता है खा लेते हैं, इसलिए कभी कभी आश्रम में जाके रहो, भगवान का प्रसाद खाओ, बोला हरे कृष्णा, क्योंकि आश्रम में कोई मना थोड़ी करेगा, वहां तो प्रसाद ही मिलेगा, इसलिए बीच बीच में 1 अक्टूबर याद रखना, ठीक है 20 अक्टूबर तक प्रोग्राम होगा शायद, क्योंकि गुरुदेव का जन्मदिन है ना दीपावली वाले दिन, तो 19 तक तो वहां वृंदावन में वास करना ही पौना, 21 को आई जाना तो आप करें, हाँ 21 को छड़ देना समझो, चिंता नहीं 21 या 22 को आ जाना, डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी संडे को पूना तक, हाँ 21 को शनिवार है, 21 को क्या आना, ये तो 20 को अभी आ सकते हो और ट्रेनों से, पर 15-16 दिन के लिए घर से निकलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जो जानना चाहता है साधु महाराज से संपर्क कर लेना, पंचांग में नंबर लिखा है, पहला नंबर गुरुदेव का, दूसरा नंबर साधु महाराज का, गुरुदेव को ज्यादा परेशान मत करना कि गुरुदेव हम भी आ रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव तो माँ होंगे जरूर, पर कर्ता धरता तो वो है ना, उसकी नजर में होना चाहिए, जो कर्ता धरता उसकी नजर में होना चाहिए कि हम इतने आदमी आ रहे हैं, इतने टाइम पे आ रहे हैं, अब गुरुदेव तो कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी माइंड से निकल भी जाता है, तो उसके सिर पे डाल देना, कल को कुछ पंगा होगा तो बोल तो सकते भैया तुमको फोन किया था, अब गुरुदेव को क्या बोलोगे, गुरुदेव आपको फोन किया था गड़बड़ हो गया, तो गुरु भाई के साथ चल जाता है पर गुरुदेव के साथ नहीं, तो साधु महाराज से संपर्क में रहना और वृंदावन जाना, ठीक है बोल वृंदावन बिहारी लाल की, नहीं तो मन से ही चले जाना, एक बार हाँ तो कर दो कि हाँ करने भी प्रॉब्लम हो रही है, हाँ जी आपको तो सुना, देखो
बहुत अच्छे हैं वैसे अमीरपुरवासी। चलो हम भी और अच्छा बनाना चाहते कि और अच्छे बन जाओ, जितने हो उससे डबल हो जाओ। चलो आज मैं और समय नहीं लूंगा, कल गुरुदेव को बहुत कम समय दिया था, मेरी इच्छा थी गुरुदेव से कथा सुनो। आज हम रासलीला प्रसंग और कथाएं गुरुदेव से सुनेंगे, लास्ट में मैं 6 बजे पकड़ूंगा। आज क्या है, शादी है ना, शादी तो मुहूर्त से ही होगी, तो आज थोड़े कमर कस के बैठे रहना, पर कोशिश तो यही होगी कि 6:30 पे भोग पा देंगे, कि लगभग 6:30 की ही है, उससे पहले तो है नहीं है, क्योंकि मुहूर्त मिल नहीं रहा था और वो टिपरा टिपरी मिलाते ना। हाँ तो 6:30 बजे का टाइम निकला है आज शादी का, तो जब तक थोड़ा धैर्य बना के बैठे रहना। कुछ लोग तो सर धज के आए, कुछ लोग तो ऐसे उठ के आ गए। कल बोला था कि लाला की शादी है, थोड़ा सर धज के आना है। चलो जो आ गए कोई बात नहीं, पर बैठे रहना। अभी गुरु महाराज से हम लोग रासलीला भगवान ने क्यों की, उसका उद्देश्य और जो गुरुदेव का आदेश, ऐसा हम सुनते हैं। चलिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कल्पतरु भश्च कृपासिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब लोग बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिव गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण असंख्य कोटि शास्त्रांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा पर सौ वस्ते भक्त मंडली मातृमंडल। गिरि महाराज बड़े सुंदर ढंग से सरल भाषा में भागवत जी के प्रसंग को सुना रहे थे। मेरे लिए छोड़ दिया कि बोलो रासलीला।
रासलीला वर्णन करने लगे सुखदेव जी महाराज। तो कहते हैं भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। श्री सुखदेव जी महाराज जी कृष्ण को भगवान बोल रहे हैं। ये जो रासलीला है ये भगवान की लीला है, ये किसी इंसान की क्या चले, कोई देवी देवता सोच नहीं सकता। और तो और क्या मैं बताऊं, ये रासलीला भगवान के अन्य अन्य अवतार भी नहीं करते कर सकते। मत्स्य कच्छप वराह वामन नरसिंह आदि वे भी रासलीला नहीं कर सकते। यहां तक कि वैकुंठ में भी रासलीला नहीं हो सकती, अयोध्या में रासलीला नहीं हो सकती। ये रासलीला है भगवान की सर्वोपरि लीला, सर्वो लीला मुकुटमणि लीला है। भगवान की सबसे ऊंची लीला है रासलीला, ये साधारण लीला नहीं है। इसको भगवान ही कृष्ण भगवान करते हैं कर सकते हैं। इस लीला में क्या है, सर्वोपरि जो रस है उस रसों का आदान प्रदान है। तुम लोग सब लोग सुख चाहते हो ना, कोई दुख भी चाहते हो है? कोई दुख चाहता है हाथ उठाओ तो, कौन कौन दुख चाहता है देखो देखो है? कोई नहीं, वो दो मैया ने हाथ खड़ा किया, वो खोपड़ी खराब मैया है। दुख कोई चाहने की चीज है? दुख ही चाहिए तो दुखी हो जाओ, खाना मेरा छोड़ो दुखी दुख है। दुख कोई चाहता नहीं, सब लोग सुख चाहता है। सुख कहां रहता है? इस जगत में ऐसा सृष्टिकर्ता का विधान है, ये सुख यहां पर कुछ जगहों में है। सुख कहां कहां है? रुपया पैसा सुख देता है। सब लोग सुख कहां मिलेगा? पैसा में, पैसा होगा तो सुख मिलेगा। पैसा होने से सब सब सुविधाएं बन जाती है। अपने रहने के लिए बढ़िया एकोमोडेशन बनाओ, मकान बनाओ, नहीं तो तुम धक्के खाओ सड़क में, सड़क में पड़े रहो। ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, आंधी है, तूफान है, चोर है, लुटेरा है। जब पैसा मिलता तो इंसान क्या कहता है, पहले मकान बनाता है। मकान बन जाने पर सुख के साधन जुटाता है। मकान में बढ़िया बोलते बेड और बोलते क्या है सोफा सेट, फिर खाने पीने के बर्तन, गैस चूल्हा और उसके बाद सारे सिस्टम बनाता है। फिर सुख के साधन
तो ठीक है, रसोई में बनाना पड़ता है, चूल्हे जलाना पड़ता है, बर्तन काले पड़ जाते हैं, खराब हो जाता है। करने वाला चाहिए, करने वाले के लिए एक नौकर लाते हैं, नौकर बर्तन तो साफ कर देता है, रोटी बना देता है, अच्छा लगता है। घर मकान में भी सुख है, घर मकान कपड़े बर्तन बिस्तर भी सुख है। आपको कुछ दुख को दूर किया, कुछ दुख टाल दिया, कुछ दुख टाल दिया, घर मकान कपड़े बिस्तर चूल्हा बर्तन कुछ सुख देता है, लेकिन वो सफिशियंट सुख नहीं दे पाता है। अभी सब कुछ है, नौकर आ जाता है तो अच्छा लगता है, चलो नौकर आ गया, आराम हो गया। नहीं तो अपने को मत्थे मारने पड़ते थे, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, रोटी बनाना, इतना जिम जाता। चलो नौकर रखते ही हो तो सुख पाने के, नौकर आ गया कुछ सुख हो गया। लेकिन नौकर है आपका, घर मकान सामान सब कुछ है, लेकिन आपको मन में बोलता है यार किसी से दोस्ती भी तो करना चाहिए, दो चार बातें बैठ करके बोलूं, गप सप मारूं कुछ, नहीं तो अकेला पागल जैसा रहता है। फिर आप लोगों से दोस्ती करते हो, फिर दोस्तों के पास भी आपको बड़ा सुख मिलता है। कोई सज्जन मिल जाए उसे दोस्ती करके, वो दुख उनके दुख में तुम जाओ, तुम्हारे दुख में वो आए, तुम्हारे सुख में उनके सुख में, इस प्रकार से एक मन लग जाता है कि दोस्त अच्छा देता है। दोस्त भी कुछ सुख देता है, लेकिन सफिशियंट वो भी नहीं दे पाता है। अगर माता पिता आ जाता है तो तब आपका घर बन गया था, मकान बन गया था, नौकर आ गया, दोस्त भी हो गया, लेकिन अगर माता पिता अचानक से आ जाए फिर क्या करोगे? फिर और ज्यादा सुख मिलेगा, मेरी मां आ गई है, मेरे पिताजी आ गया है, ज्यादा अच्छा लगेगा, लगता है कि नहीं बोलो? लगता है। अब माता पिता आने पर नौकर से भी सुख ज्यादा दिया दोस्तों ने, दोस्तों से भी ज्यादा सुख दिया माँ बाप ने, और माँ बाप बड़ा स्नेह करता है, माँ बाप तुम्हें हर प्रकार से ख्याल रखता है, तो माँ बाप ख्याल रखता है, सेवा करता है, प्यार देता है, बच्चे के सुख दुख को हमेशा सब युक्ति देता है, आशीर्वाद देता है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मेरी माँ मेरे बाबा। लेकिन वहां भी सुख सफिशियंट नहीं होता, बच्चा माँ बाप के पास है, माँ बाप के प्यार में है, देख रेख में, सब कुछ में है, लेकिन तब भी उनके दिमाग में और कुछ फतूर रहता है, मेरी शादी हुई है। माँ बाप का कितना प्यार मिले बच्चों का मन वहां से बंद के नहीं रहेगा, दोस्त का भी नहीं बंधन में नहीं रहेगा, नौकर से भी नहीं रहेगा, शादी करने के लिए दिमाग दौड़ेगा, वो लड़का लड़की को ढूंढेगा, लड़की लड़का को ढूंढेगा, मेरी शादी हो, मेरी शादी हो, मेरी शादी हो, शादी हो गया बस उनका जीवन का प्रोग्राम लगभग आधा से ज्यादा खत्म हो गया, मेरी शादी हो गई। शादी क्या हुआ कि दिल्ली का लड्डू मिल गया, बस जीवन भर हम तू और मैं दोनों एक साथ रहूंगा, जीवन बिताऊंगा, और आदमी के लिए औरत सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा साथी। आदमी को औरत मिल जाए, औरत आदमी के लिए सब कुछ है, क्या क्या नहीं है। औरत एक आदमी के लिए नौकरानी की नौकरा नहीं है, दोस्त है, माँ है, पत्नी है, ये चारों पांचों फंक्शन औरत संभालती है। नौकरानी काम करने वाली नहीं आई, खुद कर लेगी।
दोस्त से लड़ाई झगड़ा हो गया, चिंताओं को मैं तो हूं ना, वो तुम्हारा साथ देगा, चलो आप सिनेमा चलते, आज फलाना जगह चलते, तुमको पूरा मेकअप देने वाली है औरत, और तुम्हारे दुख में सुख में औरत को सबसे बड़ा हाथ होता है। जो मां बाप सोचता है वो औरत भी सोचती है अपने पति के लिए। इसी प्रकार से वो पत्नी तो है ही, कामिनी भाव में पति की सेवा भी करती। इसीलिए संपूर्ण रस बताया गया ये श्रृंगार रस, पति पत्नी का जो संबंध और हर एक व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण अवस्था यहीं आके होता है। व्यक्ति की परिपूर्णता बस शादी होने पर ही होता है, नहीं तो वो व्यक्ति अधूरा है। शादी नहीं हुआ वो आदमी अधूरा है, शादी होने पर आदमी पूर्ण हो गया, औरत भी पूरी संपूर्ण जीवन पा लिया। देखो शादी होते औरतों का चेहरा एकदम सुंदर हो जाता है, शादी नहीं होता और बड़ी बड़ी सी रहती है लड़कियां, शादी हो गई शादी हो गई खुश हो जाती है। तो ये श्रृंगार स्वरूप ही है, लेकिन ये पांचों रस जो है, हम लोग जहां पर जिन जिन लोगों से इन रसों से संबंध करते हैं, यहां पर कहीं भी कहीं जिनको ढंग से सुख मिलने वाला नहीं है। यहां जो तुम्हारा नौकर बनेगा वो अपना बड़ा भारी स्वार्थी होगा, वो तुमसे पैसा खींचने के लिए आएगा, फेंकने के लिए आएगा। कोई कोई नौकर तो इतने बदमाश होते हैं, वो काम ज्यादातर काम करते नहीं है और हरामखोरी करते हैं और पैसा मांगते ज्यादा, तनखा बढ़ाओ तनखा बढ़ाओ, और मालिक परेशान नौकर से और नौकर परेशान मालिक से। ये मालिक कैसा बेकार मालिक है, तनखा बढ़ाता ही नहीं, काम करो काम करो काम करो इतना करो। ये मालिक के और नौकर की इस दुनिया में लड़ाई है। ऐसे दोस्त आज दो दिन की दोस्ती करी पति से ने लड़ाई शुरू हो गई, ऐसे माता पिता, माता पिता अपने बच्चे को प्यार देता है लेकिन उस प्यार से माना बच्चा सफिशियंट नहीं हो पाता है। दूसरी बात है यहां तो सब स्वार्थ का प्यार है, स्वार्थ का है, और वो कोई स्वार्थ कम भी होगा तो वहां टेम्पररी है। मेरी मां बहुत अच्छी थी किंतु अच्छी का क्या थी, दो चार साल जब गुजर गई मैं गुजर गई, मैं अकेला हो गया, यहां कुछ भी संपूर्ण नहीं है। कोई कोई बच्चा माँ बाप को बहुत तंग करता है, और क्या माँ बाप बच्चे को बहुत तंग करता है, बहुत तंग करते हैं। कि माँ बाप सज्जन होते हैं, कहीं बच्चे दुष्ट होता है, नहीं बच्चा दुष्ट सज्जन होता है, माँ बाप दुष्ट होता है, बड़ी जगह देखे सब कुछ दुनिया में है। फिर यहां पति पत्नी का संबंध उसी प्रकार से, पति पत्नी कितने ही अच्छे हो है टेम्पररी, बहुत थोड़ी देर का है, और नहीं तो ज्यादातर तो बहुत लड़ाई झगड़ा घरों में चलता रहता है, आए डिवोर्स ले रहा है और आपस में किस 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 चलता रहता है। कोई घर होता है जहां पति पत्नी का प्यार ठीक बना रहता है, कोई बिरला घर होता है, और मैंने शराब पी किया और अपने जनाने को गाली गलौच और मारपीट शुरू कर देता, बड़े सारे ऐसे ऐसे भी। लेकिन इस प्रकार से पांच रस है, इन पांच रसों को यदि आप भगवान से संबंध जोड़ दोगे परमेश्वर से, फिर तो मुज्जा ही मुज्जा हो, फिर तो मुज्जा ही मुज्जा। नौकरी करो तो भगवान की नौकरी करो, देखो क्या मजा आता है। भगवान का नौकर है हनुमान, कितना मजा हनुमान जी का। भगवान का नौकर है गरुड़, भगवान के नौकर जो भगवान के भक्त लोग हैं उनसे पूछो भगवान की नौकरी में कितना मजा है।
वो भगवान कितना देने को तैयार, और भक्त कहते तेरे नाम में तेरी भक्ति में इतनी मस्ती है, तू मुझे अगर खजाना देगा तो मैं तेरी सेवा छूट जाएगी, हमें खजाना नहीं चाहिए, दुनियादारी नहीं चाहिए, बस तेरी सेवा। भगवान की सेवा में जो आनंद है, जो मस्ती है, वो कहीं नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। मैं आगे जाकर के भगवान भगवान की नौकरी करके कभी तनखा कभी नहीं मांगता, भगवान को सख्त मनाकर खबरदार तनखा नहीं दोगे मुझे। प्रहलाद जी से भगवान ने कितना मजबूर किया, कंपेयर किया, प्रहलाद कुछ ले ले, प्रहलाद जी ने कुछ नहीं लिया, बोले प्रभु हमें यही वरदान दो, लेने की इच्छा ना हो, मांगने की इच्छा ना हो। क्या मजा भगवान की नौकरी में, भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान के भक्तों की संगति में जो मजा आता है, बस भक्त कहते हैं जन्म जन्म तेरे भक्तों की संगति मिले, तेरी नौकरी मिले, और कुछ नहीं चाहिए। हम हरे तब पदई कमूल दासानु दासु भवितास्मि हूय मनस मरे तासु पते गुणा नाम ऋणी तब कर्म करो तुकाय। तसुर कहता है प्यारे तुझे स्वर्ग में और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक एक इंद्रिया तेरी सेवा में लग जाए और मैं तेरे दासों का दास बन जाऊं, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान से नौकरी करूं इतना मजा आया, भगवान की नौकरी करती और ऐसे दोस्ती करो तो भगवान से करो, करके देखो क्या मजा आता है, है? भगवान से दोस्ती करके देखो कितना मजा आता है, अर्जुन को कितना मजा आया, भगवान से दोस्ती किया, सुग्रीव ने भगवान से दोस्ती की, उद्धव ने भगवान की से दोस्ती की, ब्रज के सखाओं ने भगवान से दोस्ती की, कितना मजा आया। वो दोस्त वृंदावन छोड़ के चला गया द्वारका मथुरा, और भगवान से ऐसी दोस्ती हुई, ऐसी दोस्ती हुई, 100 साल तक ब्रज के सखा न खा सके न सो सके, 100 साल तक कन्हैया कन्हैया कहते कहते रोते बिलखते दिन बिताए। कितना प्यार रहता है उसकी दोस्ती में, कितना मजा आता है, कितनी मस्ती आती है। महाराज भगवान अपना बेटा बना के देखो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रभु, और वो तुम्हारी गोदी में आकर खेले, तुम्हारा स्तनपान करे, तुम्हारा लाड़ तुम्हारा प्यार ले, ऐसे को तुम अपने पुत्र के रूप में पा करके तुम्हारा क्या हालत होगा। वो घनीभूत आनंद कंद सौंदर्य का अधिदेव, सत्य का अधिदेव, पूरे विश्व का मालिक, ब्रह्मा शिव का प्रभु, और वो तुम्हारी इतनी नजदीक आ जाए, उसे तुम इतना नजदीक कर लो कि तुम्हें अभाव किस चीज का, बोलो। तुम चाहो स्वर्ग का राजा बनो, लो जी मिनटों में, तुम चाहो ये मोक्ष दे दे, लो जी मिनटों में, ब्रह्म पद शिव पद कुछ भी ले लो, वैकुंठ पद कुछ भी ले लो, पर भगवान को प्यार करके, भगवान की सेवा करके, भगवान की माँ वृंदावन की गौवा ब्रज की गोपियों को जो आनंद है, जो आनंद है, वो आनंद अगर मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊं, अगर ब्रह्म पद शिव पद ले लूं तो ये कभी नहीं मिलेगा, अगर मैं मोक्ष ले लूं तो कभी नहीं मिलेगा, वो चूल्हे में जाए भाग में जाए, स्वर्ग मोक्ष हमें तो कृष्ण भगवान की सेवा चाहिए। और समस्त रसों में श्रेष्ठ रस है श्रृंगार रस। जो भगवान की पत्नियां हैं, वो पत्नी का मतलब आपको समझाया ना, पत्नी नौकर है, पत्नी दोस्त है, पत्नी मां है, पत्नी पत्नी, चारों रस संपूर्ण पत्नी में, और ऐसा चारों रस के द्वारा अगर भगवान को कैसे पति रूप में पाओ और भगवान की सेवा करो, क्या मजा आएगा बोलो। तुमने तो सबने तो शादी की है, हैं? और तुम लोग ठीक है, पर किसी भाग्यवती को अगर भगवान से शादी हो जाए तो वो कैसी होगी। तुमने अपने पति से शादी की है, तुम्हारी स्थिति कोई खास ऊंचाई पर नहीं गई,
तुम जहां की थी वही हो। हाँ, दूसरे घर से और संपर्क जुड़ गया, थोड़ा सा मामूली हाई फाइव हुआ है, किंतु अगर तुम भगवान से शादी कर लो तो है? मीराबाई ने भगवान से संबंध जोड़ा और आज पूरी सृष्टि मीराबाई का गुणगान गा रही है, पूरी सृष्टि। और मीराबाई भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करके क्या मजा लूटा, क्या आनंद लूटा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु यमो पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी शिवलोक में जाते, कभी ब्रह्मलोक में जाते, पूरे विश्व जी के चरणों की वंदना करते, भगवान की पत्नी की भी उस प्रकार वंदना लोग करते हैं। क्या उन सबों को आज साधना का फल देना, वो सब साधना करती करती साधना के सिद्धि अवस्था में ब्रज में आके गोपी घर में जन्म लेके बैठी, सबके
उनके मन की एक ही इच्छा है, भगवान हमारे पति को, हम भगवान की दासी हूं। इस वासना को लेकर जन्म लेकर के यहां पर भगवान कृष्ण गौ चराने जाते हैं, गोपियां दर्शन करती हैं, गोपियां कृष्ण कथा पुष्प बोलती सुनती ध्यान में मग्न हो रहती हैं। भगवान कृष्ण मिल जाते तो खुशी में भर जाती हैं, भगवान कृष्ण का विरह होने पर छटपट होने लगती है। कृष्ण हमारे गांव का लड़का है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कृष्ण अघासुर बकासुर मारा, हमारी रक्षा किया है। भगवान कृष्ण के गुणगान में ध्यान में सब में गोपियां दिन रात उसकी कथा बोलती सुनती जुड़ी हुई है। कृष्ण में इतना प्यार बढ़ा हुआ है, इतना प्यार बढ़ा हुआ है। कृष्ण के बिना गोपियों को बिल्कुल चैन नहीं मिलता। गोपियां घर का काम काज किसी प्रकार करती ना करती बस भगवान कृष्ण दर्शन करने चली जाती है। गोपियों ने भगवान से रिश्ता जोड़ा है, गोपियों का मन भगवान ने चोरी करके बैठा हुआ है। गोपियां दिन रात कृष्ण ध्यान, दिन रात कृष्ण ध्यान में, और ध्यान ही नहीं बस कृष्ण से मिलने की बड़ी उत्कंठा, बड़ी उत्कंठा। वो कृष्ण के तरस रही है, हाहाकार मचा रही है, जैसे कि मछली पानी के बिना मरने लगती, ऐसी गोपियों का हालत है। भगवान कितना चाहती है, कुछ नहीं चाहती गोपियां। गोपियों की शादी हो रखी है, सभी गोपियों की शादी हो रखी है, उनको पति मिला है, सासू मिली है, ससुराल मिला है, घर मिला है, मकान मिला, जमीन मिली, खजाना मिला, गौधन मिला, सब कुछ मिला है, वो कुछ नहीं जरूरत। गोपियों को कुछ भी जरूरत नहीं, एक ही चीज जरूरत है, कृष्ण ध्यान में, कृष्ण विरह क्षमता दी। आज भगवान ने उन गोपियों की इच्छा पूरी करना था, आज उन गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए कई जन्मों से साधना करती हुई आ रही है। बहुत सी गोपियों ने पानी के भीतर डूब करके साधना किया, बहुत ने आंच जला करके अग्नि के भीतर बैठकर साधना किया, बहुत ने मार कैसे कैसे कोई अन्न जल अन्न छोड़ के, कोई पानी छोड़ के, कोई श्वास रोक करके, कोई कैसे साधना करती करती आज उनको साधना का सिद्धि अवस्था में गोपी घर में जन्म ले रखी है। और कृष्ण ध्यान में समाधि लगाई, छटपटा रही, रो रही, बिलख रही। भगवान कृष्ण गोमा चरण जब जाते हैं तो दर्शन मिल जाता है, लेकिन दर्शन खुला दर्शन तो कर नहीं पाती। ससुराल में इतनी पाबंदियां हैं, पाबंदियों के बीच में बिल्कुल ही कोई घर से बाहर निकल नहीं सकती। उनकी सासू नाना सब लोग तो घर से बाहर सड़क में खड़े होकर के भगवान को दर्शन कर लेती हैं, और बहू बोले क्या यहां से, क्या मतलब है, वो नंद का छोरा बहुत खराब है, तुम लोग को खराब कर देगा, यहां से हट जाओ, अंदर जाओ, कोई मतलब नहीं, अंदर जाके बैठो। गोपियों को आने नहीं देती। गोपियां बेचारे क्या करना, घर के भीतर कहीं थोड़ा सा सुराख हो, कहीं झरोखा हो, उनमें से भगवान को बस देखती रही, कब हमारे सामने आएगा, कोई दर्शन मिलेगा। बस गोवर्धन हरण वाले सात दिन का समय मिला था, वहां खुला दर्शन भगवान का पाया था, और तो दर्शन ही नहीं था। भगवान चला नहीं जाते हैं, जो आते हैं वही दर्शन बस। और तो कोई अपनी सासू को धोखा दे करके, चकमा दे करके, बहका करके निकल गई तो गई, नहीं तो नहीं। आज भगवान सबकी इच्छा पूरी करने के लिए, सबकी साधना का फल देने के लिए भगवान गए वृंदावन। भगवान कृष्ण रोज ही वृंदावन जाते हैं, पर दिन में जाते हैं, रात में कभी गए नहीं। भगवान के मन में इच्छा हुई, रात की रात्रि के समय वृंदावन की शोभा कैसी बनती देखना है,
रात्रि को जाकर के भगवान ने देखा, ओई वृंदावन तो ऐसा सजा हुआ है, क्या चमन सजा हुआ है, चमन बनाओ चमन। कितने तरह के फूलों का बाग है और फूलों के खुशबू, फूलों के बागों का वो सजावट, कहीं तो कुंज भवन, कहीं पर कुंज मार्ग, कहीं कुंज गली, कुंज बना हुआ है। ओम महाराज वृंदावन देख करके ठाकुर जी को मजा आ गया। और क्या देखा, वृंदावन के में सब जितने पशु पक्षी है सब राधा 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 बोल करके चिल्ला रहे, कोवल तोता मोर बंदर सब राधे 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 बोल करके गए, कीर्तन करते हैं। वृंदावन के बेल लताएं वो राधे राधे कह रही हैं, और भगवान को देख करके वो बेल लताएं राधे 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 कहती कहती अपने फलों को फूलों को लेके ठाकुर के चरणों में नौछावर कर रही है। वृंदावन के वृक्ष भगवान को देख करके अपने फल फूलों को लेके भगवान के चरणों में एकदम झुक गए, और प्यारे मेरे फूल को स्वीकार करो, मेरे जिस फल को इच्छा उसको स्वीकार करो, सब समर्पण करके करने को तैयार। मोर भगवान के सामने पूछ उठा उठा कर बस राधे राधे बोल ले, कोई कृष्ण नहीं बोलता, कृष्ण बोलने कोई पाप है क्या, तो राधे राधे क्यों बोल रहे, कृष्ण क्यों नहीं बोल रहा। रा शब्द चलो छितो होती माधव, था शब्द चलो तो तब धावती माधव। राधा नाम से भगवान का विशेष आकर्षण, भगवान का विशेष कृपा मिलती है जिसे राधे राधे राधे। भगवान ने जब देखा, और राधा रानी है भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ प्रियतमा, इतनी प्यारी लक्ष्मी नहीं, इतनी प्यारी सीता नहीं, इतनी प्यारी रुक्मणी सत्यभामा नहीं, जितनी प्यारी राधा है, सर्वोपरि प्यारी राधा है, उस राधा का इस प्रकार से यहाँ उपासना हो रही है। सबके साथ राधा जी के चरणों में जब तक जीव शरणागत नहीं होगा भगवान को वश में नहीं कर पाएगा। इतना वश में बात और कोई नहीं कर सकता जितना राधा जी के सेवक भगवान को वश में कर लेगा। इसलिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्र के उसी मंत्र को हमारे लिए लाके दिया है। कौन सा मंत्र दिया है, हरे कृष्ण मतलब क्या होता है। मैं जब सरसुर में हमीरपुर में आया तो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, ये हरा कृष्ण ये क्या होता, हरे कृष्ण ये क्या होता है, कृष्ण हर गया नहीं, हरे का मतलब राधे, राधा जी का नाम है हरा, हरा मतलब कृष्णश्च मनोहरति इति हरा, और हरा शब्द का संबोधन में राधे, राधा शब्द का संबोधन में राधे, ऐसे ही हरा शब्द का संबोधन में हरे होता है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का राधे बोलोगे तो कृष्ण कृष्ण होगा, और कृष्ण बोलोगे तो राधा जी अकृष्ण होंगी, ये दोनों का जुगल मंत्र राधे कृष्ण का हरे कृष्ण, इसको आपने ये वेद का मंत्र है, ये वैदिक मंत्र को भगवान चैतन्य महाप्रभु इसी को जपना, यही कलयुग का महामंत्र है, इसमें दोनों जुगल सरकर आकृष्ट होकर के जीव के पास पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी में पहुंचेंगे। आज भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ प्रियतमा राधा रानी को इस प्रकार से सब वृंदावन के लता पता पशु पक्षी इतना प्यार कर रहे, सबके सब राधे राधे बोल रहे, यहाँ तक कि वृंदावन के आकाश, वृंदावन के बतास, वृंदावन के दसो दिशाएं, वृंदावन की धरती और वृंदावन के जमुना जी भी राधे राधे बोल रही है, सब राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, जमुना भी बोले राधे, वृंदावन बोले राधे, वृंदावन के मोर बंदर बोले राधे राधे, सारा वृंदावन राधे 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 करके नाच रहा है, और भगवान कृष्ण को देख करके सब लोग राधा नाम से एकदम पूरा वृंदावन एकदम उत्फुल्लित हो रखा है।
भगवान ने देखा ऐसे वृंदावन में राधा रानी की उपासना, तुम्हें राधा को लाऊंगा, अदा करके रास लीला करूंगा और वृंदावन वासी खूब खुश होंगे, खूब खुश होंगे। राधा माधव के दिव्य विलास देख करके वृंदावन वासी को तो भाग्य ही खुल जाएगा। क्या भाग्य ब्रजवासियों, वृंदावन वासियों का राधा माधव के दिव्य विलास दर्शन करने को मिलेगा। वो आनंद कन्न है कृष्ण, उनके अंतरंगा शक्ति दोनों का अभ्यास, क्या अपूर्व व्यापार, क्या अपूर्व व्यापार। पूरे विश्व के प्रभु मालिक और उनके दिव्य विलास, उनका दर्शन नहीं हो पाता है आज, उनके विलास दर्शन करने को मिलेगा। कैसा विलास होगा यहां, इसके लिए शिव जी पागल, ब्रह्मा पागल, शिव जी गोपी बन के नाचने आ गया और वृंदावन वासी वृंदावन के पेड़ लताओं के पशु पक्षी का भाग कर कितना है देखिए, वहां पशु पक्षी देख देख करके नाच रहे, खुश हो रहे। इसलिए तो संतों ने कहा हे प्यारे, हमें वृंदावन का बेल लता बना दिए। मानुष हो तो कहा ना वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन, वाहन हो तो कहा वही गिरी को जो थरपुर कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरा करो कालिंदी कूल कदम मकीदारन। ऐसे करके संतों ने प्रार्थना किया है हमें ब्रज में वास दे, यहाँ के पक्षी बना दे, यहाँ के बेल लता बना दे। आज ठाकुर जी देखा कि सारा वृंदावन, भगवान ने तो बंसी उठाई अपने अधरों पर धर करके और राधा को बुलाना है, बंसी को उठा के बजाना शुरू किया। ऐसी बंसी बजाई वृंदावन के सब लता पता सुनकर एकदम महाराज चकित हो गए, सबको समाधि लग गई। वो बंदा वो वंशी भगवान की पूरे विश्व को गमान कर दिया, सर्व के देवी देवते संसार भूल करके भाग चले। शिव जी महाराज की समाधि खुली, शिव जी भाग लिए, ब्रह्मा जी भाग लिए, भगवान शेष नाथ जी वंशी ध्वनि सुनकर के पागल होकर मैं कब जाऊंगा, मेरे मथे को ब्रह्मांड में जा नहीं सकता हूँ, वंशी ध्वनि सुनाई दे रही है, मेरे प्रियतम की वंशी ध्वनि, शेष नाथ जी हिल उठे। महाराज राजा बलि कितना गंभीर है, वो वंशी ध्वनि सुना, उनको सुनाई दी और वो पागल जैसे हो गए। ऐसा वंशी आसमान में बदल सब आकर के महाराज नंदन अमृत समस्कृति परम, स्वर्ग के जो सबसे बड़ा गायक है तुम गुरु, वो तुम गुरु सुनकर के चकित हो गया, आसमान के बदल सब स्थगित हो गए। ऐसा ऐसा भगवान की भविष्य ने ऐसा कमाल कर दिया। लेकिन देव देवते देवी ऋषि मुनि ब्रह्मा शिव आकर के और वंशी ध्वनि का वो स्वर था, वो मतलब इतना मजेदार था, मतलब सबके सब एकदम समाधि, सबको समाधि लग गई, कोई उतर ना पाया, आसमान में लटक के रह गए, उनका अधिकार नहीं है रस मंडल में आने का। वो वंशी ध्वनि के मस्ती में एकदम से बेशुद्ध सुदबुद हो गए। इधर गोपियां सुना, राधा रानी सुना, सुनकर के भगवान कृष्ण की वंशी ध्वनि, भगवान वंश में कौन सा गाना गाया, वंशी गजब की बजी है, गजब की वंशी बज रही है। वो वंशी महाराज एक साथ सभी गोपियों का नाम ले लेकर के पुकार रही, सभी गोपियों को पुकार रही वंशी, सभी गोपियां अपना नाम सुन रही, वंशी के द्वारा भगवान कृष्ण मुझे बुला रहे।
और जिनके लिए गोपी इस प्रकार से तरस रही है, छटपटा रही है, बिलख रही है, पागल हो रखी है, और वो उसी ने उसका नाम बुलाना शुरू कर दिया। अब तो गोपी और दिमाग खराब हो गया, गोपियों का धैर्य का बांध टूट गया, गोपी मारे चल पड़ी जो जिस अवस्था में थी, और दुनिया जाए चूल्हे में भार में, कोई कुछ बोले जाए भार में, मैं तो चली ठाकुर जी के पास। महाराज सब गोपी चल पड़ी, कुछ गोपी फंस गई, उनके पतियों ने रोक लिया, कहां जा रही हो रात्रि के समय, वो भी बोल नहीं पा रही है, दिमाग एकदम भगवान ने इतना आकृष्ट हो चुका है, कृष्णमय हो रखी है, वो भी बोल नहीं पा रही है, और उनके पति ने देखा देखते में रोक दिया, उनके तो प्राण छटपटा रहा है कृष्ण के लिए, वो जब रोक दिया और रोक करके वो घर में दम बंद कर दिया, वहां से ताली लगा दिए, गोपियों का इतनी बेचैनी पैदा हुई, उन्हें शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ करके उसकी आत्मा निकल पड़ी, जो मैंने उनको दूसरा शरीर दे दिया, वो दूसरा शरीर लेकर के वो गोपी पहले पहुंच गई भगवान के पास, कृष्ण विरह ने उसको एकदम ऐसे पागल कर दिया, गोपी संभाल नहीं सके, अंत में जाकर के महाराज जब सब गोपी भगवान के पास आ गई, भगवान ने सभी गोपियां भगवान को जाकर के जब दर्शन किया, ओए अनंत सौंदर्य निधि सौंदर्यम ललनादि धैर्य दलनम लीला रमा स्तंभिनी, महाराज क्या सौंदर्य अधिदेव, उनके अंग अंग में मानो कोटि कोटि सौंदर्य समुद्र उद्वेलित हो रहा है, महाराज जिस किसी के भी एक भगवान के किसी भी अंग में आंख दर्शन करने को लग जाए, उस अंग को सौंदर्य खत्म नहीं कर पाएगा, तो जुगो जुग उसी अंग में उसकी आंखें उसकी नजर चिपकी रह जाएगी, जिसने भगवान के मुख देखा तो हमें छाती देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसे चरण देखा उस मुंह देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, एक एक अंग इतना सुंदर अयो सुंदर के सौंदर्य का अधिदेव महाराज को दर्शन करके गोपियां एकदम निहाल हो रही है, निहार हो रही है, गोविंदावन धाम चांदनी रात्रि भगवान श्याम सुंदर तीन जगह में टेढ़ा होकर के बंसी अदरों पर धर करके बजा रहे, मस्त होकर मस्त होके बंसी बजा रहे। ब्रिटिश जमाने में एक बार ये झगड़ा शुरू हो गया था, हमारे लोगों कहते हमारा भगवान बड़ा, हमारा भगवान बड़ा, कोई कहते फलाना देवता बड़ा, कोई कहते फलानी देवी बड़ी, कोई कहते कृष्ण बड़ा, कोई कहते विष्णु बड़े, कोई कहते राम बड़ा, कोई कुछ, ऐसी एक लड़ाई शुरू हुआ और एक लड़ाई जाकर के कोर्ट में दाखिल हुआ, महाराज कोर्ट में वहां पर जो विचारपति था अंग्रेज था, अंग्रेज विचारपति, उसने कहा भाई दिखाओ तुम लोग अपने अपने भगवान को लाओ, वो अंग्रेज विचारपति ने सबके भगवान का फोटो मंगवाया, फोटो मंगवा करके देखते कोई भगवान तो शिव जी महाराज जी बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, वे ध्यान किसका कर रहा है, जरूर इससे बड़ा कोई होगा, ठीक है इससे बड़ा कोई जरूर होगा, ये सबसे बड़ा नहीं हो सकता, देखा दुर्गा मैया, ये दुर्गा मैया के हाथ में ये तलवार त्रिशूल ये क्यों है, हाथ में खड़ग है खप्पर भी है, इसको खतरा है, ये हथियार रख रखी है मुझे भी मार ना दे, वो खतरा है, बोले इससे बड़ा कोई होगा, वो खतरे के कारण ये खड़ग खप्पर और त्रिशूल चक्र लेके रखी है, ये भी बहुत बड़ी नहीं हो सकती। वो अंग्रेज विचारपति ने सभी देवी देवता का फोटो देख देख के देख देख के देख देख के उनके मजा नहीं आया, जब भगवान बांके बिहारी का फोटो दिखाया गया, वो भगवान बांके बिहारी महाराज वृंदावन जमुना तट गोवर्धन पर बंसी बजा रहे हैं मस्त होकर के और पूरे विश्व को निहाल कर रहे हैं, वो देख करके बोला इसका कोई दुश्मन नहीं है क्या है?
कृष्ण कोई दुश्मन नहीं है, इनको कोई खतरा नहीं है, कोई हथियार ही नहीं ले रखा और मस्त होकर बंसी बजा रहा। बंसी बजाना एक एंजॉय है, बंसी बजा करके जो बंसी में गाना गाया जाता है पूरी दुनिया को एंजॉय दिया जाता है। लगता ये निश्चिंत देवता है, बेफिक्र देवता है, इनके ऊपर कोई है ही नहीं, इनको कोई खतरा नहीं है, यही सबसे बड़ा भगवान उसने घोषणा कर दी है। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन मसैया की, मैं तारीफ करूं उन मुरली की और मुरली धर कन्हैया की। वहां चलता था ना जोर किसी तीरों और कमानों से, विजय नटबल की होती थी मुरली की तानों से। यहां तो मुरली की तानों से भगवान का विजय होता है। कोई कितना बड़ा असुर आ जाए, भगवान मिंट नहीं लगाते पुतना को मारा सेकंडों में। अघासुर बकासुर तिनावर तो सकटासुर कैसे मारे, बोलो तो कितना घंटा लड़ाई किया था सकटासुर से, बोलो। सकटासुर आया, भगवान ने मारा पैर अथराम खत्म। तिनावर तो आया, गला पकड़ के घोटा, एक मिनट नहीं लगाई खत्म। ऐसे बकासुर मारे, ऐसे घासुर मारे, ऐसे अरिष्टासुर मारे, ऐसे भूमासुर मारे, ऐसे भस्मासुर मारे, ऐसे सत्तम सबको मारे, कोई हथियार नहीं, कोई खतरा नहीं। क्या बात है, कैसा देवता है। आज उस देव को गोपी ने जब दर्शन किया वृंदावन जमुना तट और वो सुंदर पुण्य भवन में वंशी भट्ट के नीचे, बरगद के नीचे और वंशी बजाते हुए, क्या मधुर रूप देख करके गोपियां कमाल हो गई। ऐसा कृष्ण को मैंने कभी नहीं देखा था, आज तो मानो कि उसके कितना सुंदर हो गया, कितना सुंदर हो गया। देखती रहूं आंखें छोटी पड़ रही है, आंखें छोटी पड़ रही है, आंखें खूब बड़ी बड़ी होती, लाखों करोड़ आंखें होती खूब देखती, पर क्या करूं आंखें छोटी हमारी। भगवान ने देखा गोपियां आई हुई, गोपियों को भगवान ने स्वागत बताया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा प्रजस्यानामयम कच्चिद्भुतागमन कारणम। आइए देवियों, हम आपका स्वागत करते हैं, बोली क्या सेवा करो, और आप कैसी आई हो रात्रि में। आप लोग कुलवती स्त्रियां, पति प्रता स्त्रियां हैं, और आप इस प्रकार से रात्रि के समय अकेली, पति नहीं है आपके, सासू नहीं है, अकेली आ गई। राम 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 राम, जाओ अभी वापस हो जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारे सासू तुम्हारे ससुर सब फिकर करेंगे, ढूंढेंगे जंगल में रात्रि के समय, परेशान हो जाएंगे। कभी भी अकेली औरत को घर से बाहर ऐसे नहीं आना चाहिए। अरे जंगल में कितने बरखरे जानवर होते हैं, गलत आदमी भी हो सकता है, खबरदार। एक नयस्थियम देवी, अभी निकल जाओ घर चली जाओ। आप लोग क्यों आई है, वृंदावन देखने आई है। देखो वृंदावन यमुना अलिंग तरु पल्लव सोहित, देखो यमुना, ये देखो वृंदावन, और देख करके यहां से लावा नहीं रुकना। गोपियां तो बड़ी तमन्ना लेके आई थी, कृष्ण की दीवानी बनकर के कृष्ण की सेवा करूंगी, कृष्ण की हूं कृष्ण की रहूंगी, कृष्ण की सेवा करूंगी। आज ये क्या कह रहा है भगवान। गोपियों से बोला, गोपियों जाओ, खबरदार पति से लड़ाई मत करना, पति को त्याग नहीं त्यागना है। स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है, पति छोड़कर के स्त्रियों को संसार से पार लगाने वाला कोई नहीं है। पति सब पूछे, पति परमेश्वर है। जाओ, पति कैसा भी हो, पति बूढ़ा हो, पति लड़ाकू हो, पति झगड़ेलू हो, पति गरीब हो, पति बीमार हो, पर पति तो पति है, खबरदार पति को त्याग नहीं करना। लेकिन एक शब्द तो बोला भगवान कृष्ण ने,
पतिंच पतितम त्यजेत, जो पति अपने चरित्र से गिर गया है, पति अगर कहीं मर्डर करना शुरू कर दिया है, पति कहीं धर्म छोड़ के विधर्म में नास्तिक धर्म चले जा रहा है, तो उस पति के साथ नहीं रहना चाहिए। दुश्शिलो दुर्भगो वृद्ध जरो रोग्य अधनो विवा पति स्त्री नहातव्यो लोके सुभी अपातक, पातकी पति को छोड़ दे, जो पातकी नहीं है पति उस पति को कभी छोड़े नहीं, वो चाहे बूढ़ा हो चाहे गरीब हो चाहे बीमार हो चाहे गरीब कैसे लड़ाकू हो कोई बात नहीं, और पति अगर पतित हो चुका है उसको फिर त्याग देना चाहिए। पति सेवा से अरुंधति ने ब्रह्मा विष्णु शिव को प्रसन्न किया। अरुंधति सावित्री इन लोगों ने बहुत गजब गजब के समर्थ प्राप्त किया। सावित्री तो मरे हुए पुत्र जिंदा कर दिया पति पुत्र के बल पर। पति सेवा तो हमारी स्त्री का सबसे बड़ा परमार्थ है, सबसे बड़ा साधना है। पति गुस्सा भी होता है ना, गुस्से पति को काबू कर लेना है, ये तपस्या है, ये औरत की तपस्या। पति को हर तरह से पति को खुश कर देना है, भजन करने की इच्छा है, भजन करना है तो अपने पति की सेवा पूरी होनी चाहिए, घर की ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, उसके बाद तुम अपने भजन भगवान के भजन करो। तुम घर का काम नाम छोड़ के पति भूखा बैठा, बच्चे भूखे स्कूल जा रहे हैं, तुम माला लेके बैठी हो, ये भजन नहीं है। भजन का मतलब घर वालों को पूरे को सबको पूरी ड्यूटी तुम्हारी निभाना, फ्रेश में बचा करके भजन करना। जिस औरत ने अपने पति की सेवा नहीं की, घर में अशांति करके और कथा में चला गया, माला जपने लग गया, उस औरत का भजन नहीं है। पति सेवा सबसे बड़ा धर्म है स्त्रियों का। पति खुश हो जाए स्त्री का जीवन सफल। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश सुनाया गोपियों को, गोपियां सुन करके नाराज हो गई, रोने लगी। हम आई थी इनके चरणों में अपने को समर्पण करूंगी, इनकी बुझाऊंगी, ये हमको ठोकर मार रहे हैं। गोपियों ने कह दिया प्यारे ऐसा निष्ठुर वचन हमें न बोलो, और यह सारा उपदेश जो है ना आप किसी और को सुनाया करना, जो संसार की बहिर्मुख औरत है उनको सुनाया करना, यह हमारे लिए उपदेश नहीं है। क्या तुम क्या औरत नहीं हो? हम औरत है, लेकिन इस उपदेश के पात्र हम नहीं है। तुम भी बहुत बड़ी हो गई हो। हां जी हां जी, हम बहुत बड़ी हो गई हो। हम ये सारी साधना करके आए हैं, जो जन्म जन्म सर अनुशासन पालन करके मान करके सब कुछ करके दुनिया देगा सारे धर्म कर्म करके हम अब अपने चरण में आई हूं, उनके ऊपर चढ़ करके अब आई हूं। ठोकर न मार, ये तो आप ऐसे ठोकर मार रहे हो। एक दिन मैंने ही आना था आपके घर, आपका नाम मुझे मालूम है, हमीरपुर गांव इतना मालूम है, आगे मालूम कुछ नहीं, कहां घर कहां नहीं। मैं आकर के ढूंढने लगा आपको, ढूंढते ढूंढते ढूंढ सुबह से लेकर शाम तक ढूंढा, फलाने का घर कहां फलाने का घर कहां, ढूंढते हुए शाम हो गया। शाम होने पर आपके घर में पहुंचा, मिल गया। मिलने पर आप हैरान, अरे महाराज तुम यहां कैसे आए? अरे भैया मैं तुमको सुबह से ढूंढता ढूंढता परेशान, ना खाया ना सोया ना बैठा, और मैं परेशान होकर के सुबह से ढूंढ रहा हूं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। और आपने सीधा जवाब दिया, महाराज आप यहीं से दंगड़ी वापस जाइए, अभी वापस जाइए, दंगड़ी में जाकर के मेरे को फोन करो, फिर मैं बताऊंगी ऐसे ऐसे रास्ते में आने उसी प्रकार आना है, और वापस जाओ, मैं जो विधान बताऊंगा उसी विधान में आना है, फिर आपसे मैं मिलूंगी, नहीं तो नहीं मिलती। बोलो ये कोई बात हुआ?
जो आपके पास पहुंचा नहीं है उनको आप युक्ति बताइए, जो पहुंच गया है उनको दोबारा भेज करके युक्ति बताओ। ये कौन सी बुद्धिमानी है? हम तो आ गई बाबू, हम तुम्हारे पास पहुंच चुकी हैं और हमें घर वापस करना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं, दिमागदारी नहीं है। जो नहीं आए, जो संसार में बने पड़े हैं, बद्ध जीवों को उपदेश दीजिए। जो असंयमी अजितेंद्रिय, बहुत सी स्त्रियां होती हैं बिल्कुल भगवान को नहीं मानती, दुराचार नहीं होती, पापाचार नहीं होती है, शादी करने के बावजूद भी गंद खाती है, मीट खाती है, मच्छी खाती है, अंडा खाती है, एकादशी करती नहीं, हरिनाम करती नहीं, शासन मानती नहीं है, ऐसे औरतों को भगवान का उपदेश जरूरत है। ये उपदेश आपका, ये कुछ टेंडर के लोगों के लिए है, न कि हमारे लिए। हम जितेंद्रिय हैं, हम मन को जय कर बैठी हैं, हम बुद्धि को जय कर बैठी, सब कुछ जय करके आपके चरण समर्पित हो रखी हैं, आप में भक्ति प्राप्त करके बैठी हैं, हमारे तो नहीं है। आप कह लो संसार धर्म स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है पति सेवा, स्त्रियों का उस औरत का सबसे बड़ा पति धर्म है पति सेवा। किन लोगों का इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, जो अपनी वासना को कंट्रोल नहीं कर पाया, उनके लिए पति सेवा सबसे बड़ा धर्म है। पर जिन्होंने जितेंद्रिय ज्ञानी विरक्त और मान तपस्वी संयमी, उनके लिए पति सेवा उनका धर्म नहीं है, उनके असली धर्म है असली पति की सेवा, कृष्ण की सेवा, सच्चे पति की सेवा। जब गोपियों ने ऐसे ऐसे बताए, भगवान की बोलती बंद है। ऐसा चुप्पी, इतना प्रमाण दिया गोपियों ने, भगवान की बोलती बंद हो गई। भगवान ने गोपियों को लेकर के रास मंडल में उतर पड़े, रासलीला करने लगे। गोपियां भगवान कृष्ण के लिए तरह तरह से, भगवान ने जब सम्मति दे दी, गोपियां खुश हो गई, मेरे प्रियतम खुश हो गए। फिर तो गोपियां भगवान के जय जयकार कर उठा, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो बंके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब गोपियां खुश होकर के ठाकुर जी ने जयकारा लगाया, और जयकारा लगाने के बाद और फिर भगवान गोपियों के साथ लेकर के, चलो हम इधर वृंदावन से घूम लेते हैं। और गोपियां भगवान के चल पड़ी और नाचती गाती वृंदावन में भ्रमण नगर कीर्तन की। आप लोग करोगे ना परसों, आप लोग भी करोगे ना, हमीरपुर की यात्रा करोगे ना, उसी प्रकार से तुमने भी करना है। जैसे गोपियां भगवान के साथ में खूब खुश होके नाच नाच के गा गा के ठाकुर को जाते हुए वृंदावन के कुंजों में भगवान के साथ भ्रमण किया, ऐसे तुमने भी करना है परसों। परसों जगन्नाथ रथ यात्रा है, और उसके बाद भगवान सब गोपियों को खूब कृपा किए, और लेकिन गोपियों में थोड़ा सा अहंकार का बू आया, भगवान ने तत्काल वो अहंकार भगवान को पसंद करने के लिए, भगवान अच्छा तुम लोगों को अहंकार पसंद है ना, तुम्हारी सहेली तुम्हारी बहन तुमसे अहंकार करे अच्छा लगेगा, कैसा लगेगा, तुमको बुरा लगेगा, ऐसे भगवान को बुरा लगता है। अहंकार अपने जीवन में श्रृंगार नहीं है, अपने जीवन को बर्बाद करने वाला है। खबरदार, अहंकार, काम विकार, क्रोध, लोभ, ये कुछ भी अच्छा नहीं, ये सब खराब करने वाला है। आज गोपियों में दुनिया में अहंकार नहीं था, गोपी में अहंकार इतना ही था कि मैं कृष्ण की दासी हूं, मैं बहुत बड़ी भाग्यवती हूँ, हाँ जाने कितने जन्मों की मेरी तपस्या, कितना पुण्य जो मैं आज भगवान के साथ मैं नाच रही हूँ, वृंदावन भ्रमण कर रही हूँ, हाय हाय अपने भाग्य को सराहना कर रही थी, बस इतना ही भगवान को सहन। भगवान ने गोपियों के इस अहंकार को, ये अहंकार भी आगे एक और कुछ रूप ले सकता है, पहले ही जब खुद जब काट दिया हुआ अंतर ध्यान हुए, राधा को लेकर के तारे चल तू यहाँ नहीं रहना। भगवान राधा रानी माननी हो रही थी, राधा रानी भगवान कृष्ण को ठीक से सेवा नहीं कर पा रही थी, जिस तरह से रासलीला करनी थी ऐसा नहीं हो पा रहा था, राधा रानी परेशान होकर के माननी हो गई।
भगवान राधारानी को मनाने के लिए फिर लेके चले गए और राधारानी को मनाया। राधारानी का मान मर्दन हुआ, गोपियों का अहंकार चूर चूर हो गया कृष्ण के लिए, कृष्ण नहीं है। हाहाकार कर उठी, रोने लगी, ढूंढने लगी, कहाँ कृष्ण कहाँ कृष्ण करती करती आखिर में जाकर के महाराज भगवान के चरण चिन्ह दिखा, फिर राधा जी के भी चरण चिन्ह दिखा। फिर तो गोपियों ने उत्साह बढ़ा, जारी कहीं होगा, आगे जाकर के देखा कृष्ण नहीं है, राधा रानी है। राधा रानी कृष्ण विरह में छटपटा रही थी, इसे देख करके गोपियों का राधा रानी के प्रति श्रद्धा कर रहा। सब सबसे बड़ी भक्तनी राधा है। भगवान कृष्ण जब ही राधा को लेकर के हमें छोड़ करके इस एकांत वन में आए और अहंकार हमारे में इतनी राधा का कृष्ण विरह सब गोपियों के मन को एकदम मात कर दिया। सब गोपियां राधा के चरणों में एकदम नतमस्तक हो गए। ये कृष्ण राग जिसके अंदर में जितना कृष्णानुराग होगा, कृष्ण प्रेम होगा, दुनिया में वो उतना बड़ा आदमी होगा। कृष्ण प्रेम है तुम बड़े आदमी हो, नहीं है तुम गरीब हो, तुम नंगे भूखे हो, तुम बेकार बन रहे हो। जिसमें कृष्ण भक्ति है वो उतना बड़ा है। जो जितना कृष्ण को प्यार करता, कृष्ण भगवान में के भजन में डूबा रहता है, भगवान की सेवा करता है, भक्तों की संगति करता, भक्तों को प्यार करता, वो उतना बड़ा है। इस दुनिया के नापदंड मनुष्य का नापदंड है कृष्ण प्रेम, जिनके पास वही उतना हो। जिन जिन ने हरि नाम लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने बालो सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बस ये सभी गोपियों में राधा रानी के अंदर सबसे ज्यादा कृष्ण अनुराग, सर्वोपरि कृष्ण अनुराग, इसे देख करके सभी गोपियों का अहंकार चूर, सब राधा जी के चरण में नतमस्तक हो गई। आज पहचान मिला, तेरे प्रियतम तुम्हें गुरु दे दिया, वास्तव गुरु है राधा, जो कृष्ण भजन सिखावे, जो कृष्ण को प्यार करना सिखावे, जो खुद कृष्ण प्रेम में सदा बोर है, वो है गुरु है, वही महापुरुष है, वही धनी है, वो धन्य है, वो महान है। कोई महान बनना चाहते हो, कृष्ण प्रेम कृष्ण को भजन करना शुरू करो, कृष्ण अनुराग को अपने दिल में लाओ, आप बनोगे महापुरुष, आप बनोगे महान। महाराज राधारानी को जाकर के सभी गोपियों ने कृष्ण कथा सुना करके राधारानी को शांत किया। राधारानी कृष्ण विरह में ऐसी छुटकुरा रही थी जैसे किसी जानवर को अधकटा छोड़ दिया जाए, वो जिस प्रकार से बिलखता है, ऐसे राधारानी कृष्ण कृष्ण बोलते ऐसे परेशान बिलख रही थी, मेरे प्रेरणा मुझे छोड़ के चला गया, हे प्रीतम तुम कहां गए कहां गए। उनके जो विरह था सब कमाल हो गया। फिर कृष्ण कथा सुना सुना के उनको शांत किया। राधा रानी होश में आई तब सभी सखियों ने उनसे विनती करके कहा, हे स्वामी बताओ कृष्ण कहां मिलेंगे हमें, हमें कृष्ण दिलाओ। राधा रानी कहती सखियों उसे पाने के लिए उसे नाम कीर्तन करना पड़ेगा, तुम जाओगे ढूंढे बच जाए तो परेशान हो जाए, उनके मन नहीं तो क्या करोगे, उनका मन हो तो आए, चलो उनके हम कीर्तन करती हैं। सब वृंदावन जमुना तट बैठ करके और कृष्ण भगवान को बस रो रो करके पुकारने लगी, कीर्तन करने लगी, जय अतिथे